स्प्लिट कर जाता है, बट मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितने अच्छे लगते हैं आपको बाबर? बहुत अच्छे, इज रियली गुड। अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गूगली, अब आपका मूड फौरन से फ्रेश हो जाएगा। ओके, सो मैं इतनी खुश रहती हूँ ना कि लोगों को ये वाला एस्पेक्ट पर्सनालिटी का पता ही नहीं और मैं इसको बताती भी नहीं हूँ। तो बढ़ते हैं गूगली की तरफ। ये चार मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं और आई लाइक बेटर। हाँ चलिए, आई थिंक आई लाइक, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोज में, इस इंडस्ट्री में दे आर क्वींस, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने शोज किए हैं, कर रही हैं, बट आई पर्सनली लाइक जुगन, सादिया साहिबा, शाइस्ता एंड देन निदा। एंड निदा, ठीक है, बढ़ते हैं अगली गूगली की तरफ। अच्छा भी आजकल तो शोज भी कर रही हैं, तो छोड़ो क्रिकेट नो, ये दसो इन्हें जो तुम्हारे सामने सोना केड़ा है? सोना तो नसीम शाह आएगा। मेरी पार्डन माय पंजाब, बाबर आजम आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग, अगेन बाकी भी व्याए गए हैं तो भाई फायदा नहीं है। अच्छा, बाबर आजम आई थिंक, या आई हैव हर्ड ही इज आल्सो सीइंग समवन, आई एम नॉट श्योर, टीवी पे कुछ भी है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर जाता है, बट मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितने अच्छे लगते हैं आपको बाबर? बहुत अच्छे, ही इज रियली गुड। फर्ज कर लीजिए कि वो फूल भेज रहे हैं आप, हाय तो मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको। मेरे ख्याल में अब इसके बाद शो में आगे कुछ रह नहीं गया ना, सबसे बड़ी खबर जो है वो हमें मिल गई है। नहीं, ही इज वंडरफुल, आई लाइक हिम, अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन शादी की शेरवानी खरीद रहे थे तो कोई होगी, कहीं दिल लगी चल रही होगी, हो सकता ना हो, हो सकता है क्लिप देख ले, तो फिर तो देख के शायद इग्नोर भी कर दे। मैं तो आपको पता, मैं तो बदनाम हूँ, मेरी शायरी जो है वो लोगों को, दो दिलों को मिलाने के लिए बदनाम है पिछले 25 साल से। कितने नेक काम कर रहे हैं ना आप। तो दो दिल और मिल जाएंगे तो हमें तो खुशी होगी। वेरी काइंड ऑफ यू एंड यस, ही इज वंडरफुल, अमेजिंग, फिर आप कोशिश जारी रखें प्लीज। चलो भाई, अदरों से हाँ आएगी। मगर ये बताइए कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? मतलब एक तो यूथ में होती है एनर्जी, जी, जी। वो तो अपनी जगह है, मगर आपकी यूथ वाली एनर्जी भी ना 4 times मल्टीप्लाई हुई है। थैंक यू सो मच, आई थिंक बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स ही ऐसी हैं, या पहले ऐसी हैं इसको ढूंढ दीजिए है ना। ऐसी ही हूँ मैं शुरू से ही, इतनी लाइवली और बबली, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आपको पता है मैं इतना सोती भी नहीं हूँ। Really? मेरा जो स्लीप साइकिल, आई स्लीप फॉर 4-5 hours, दैट्स इट। वाकई? और उसके मैं खातून नहीं हूं, वरना को खातून आपसे पहला सवाल पता क्या करती जी? उसके बावजूद इतनी फ्रेश स्किन। वाकई 4-5 घंटे सोती है? 4-5 घंटे, और एट टाइम्स तो 2 घंटे सो के भी मैं उठ जाती हूँ, मुझे काम पे जाना होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई ऐसी असाइनमेंट होती है, तो एट टाइम्स 2 घंटे भी सो रही होती है। नहीं, अब तो बकायदा, लेकिन मेडिकल साइंस ही कहती है कि 6-8 घंटे की स्लीप जो है वो जरूरी है। अदरवाइज ये है कि बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, और याददाश्त के लिए भी ठीक नहीं है, मगर आपकी सारी चीजें बहुत बेहतरीन चल रही हैं अभी तक तो, लेकिन लॉन्ग टर्म का पता नहीं। लेकिन हाँ, स्लीप साइकिल मेरा इस तरह से ही है कि दो नहीं, तो आप इसलिए नहीं सोती कि आपका, यानी कि आपकी नींद है ही कम, नींद या है ये ही है कम? कि काम बहुत करती हैं? नहीं, नींद है ही कम। या ऐसा क्या हो गया कि नींदें उड़ गई हैं आपकी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह करे ऐसा हो भी ना। नहीं, अगर ऐसा ना हो तो फिर जिंदगी क्या है ना? नींदें उड़नी नहीं चाहिए ना, नींद सुकून से आनी चाहिए, कुछ ऐसा हो जाए। वो जिस चीज का जिक्र कर रहा है ना, नहीं वो बाद में सुकून मिलता है, पहले तो नींदें उड़ जाती हैं, और बकौल कैफी के वायलिन बजना शुरू हो जाते हैं, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। वो मुझे इंतजार है उस फीलिंग का, और उस शख्स का भी कि जिसके लिए वो फील किया जाए, वो वायलिन बजे, मैं जागूं। लो जी, इस टाइम सारे टीवी देख के जेड़े बंदे बैठे ने ना, उन्होंने हथों रिमोट डिग पे ने। एक सवाल तो बका था, मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा था कि हिनायत उसे पूछ लीजिए शादी क्यों नहीं कर रही है। अच्छा, ये बहुत, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा। जी जी, अच्छा, मतलब मुझसे तकरीबन को 15 लोगों ने कहा कि भाई ये सवाल हिना से करना है, जिसमें से 12 मर्द थे, मर्द से मतलब लड़के थे। उनकी मुझे फोटो बाद में दिखा दीजिए। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी जिंदगी का, और उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और बेहतर ये है कि टाइमली ले लेना चाहिए। हम लोग न्याजी पठान है, तो हमारा कल्चर ये है कि हम खानदान में, शादी फैमिली में, तो वो तो खैर फैमिली की तरफ से जब आए कुछ प्रपोजल्स, तो मैं बहुत सारे इश्यूज
की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, मेडिकली भी इट्स नॉट इवन गुड. तो मैंने कजन्स के साथ, वो फुप्पो के बेटे को सारी जिंदगी आप भाई 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 बुलाओ, फिर एंड पे जाके जानू बोल दो ना, वो फीलिंग वो पॉसिबल नहीं था. बाकी भाई जानू भी तो कह सकता है. तो कजन्स में नहीं की, और अब्बा ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया. फिर काम कर रही थी मैं, एंड मुझे लगता है शादी के लिए कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके काम की रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे. अभी मैं, मुझे कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मिलते भी हैं लेकिन कंपैटिबिलिटी आपका कैसा कैसा ही नहीं. एक तो आपने कहा कंपैटिबिलिटी हो, तो बड़ी बुनियादी बात है. आपके काम की रिस्पेक्ट करे, बट अदरवाइज कैसा लड़का आपको, कैसा शौहर, कैसा somebody who is educated enough to understand my work. ठीक है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. फैमिली वैल्यूज हो उसकी, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे. गुड लुकिंग भी हो तो बुरी बात नहीं है, वरना कोई ये नहीं है कि टॉम क्रूज ही चाहिए मुझे. अच्छा, वेरी गुड. लेकिन लुक्स को आपने चौथे नंबर पे रखा. हाँ. ये आ गई है चौथे नंबर पे या रखा ही चौथे नंबर? नहीं नहीं, आप ये है ही चौथे नंबर. आपके लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लुक्स जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट. और फिर बहुत सारे लोग मुझसे, मेरी दोस्तें ही सवाल करती हैं, तुम्हें तो कोई बहुत अमीर लड़के की तलाश होगी. नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैं खुद आजकल बहुत नोट कमा रही हूँ. मेरी सैलरी तो 29 तारीख को आ जाती है. क्या आपका तो पता नहीं, मगर जो लोग देख रहे होंगे ना, जो माएं और बाप और जो फैमिलीज और खानदान देख रहे होंगे, वो इस वक्त हसरत से देख रहे होंगे टीवी में कि एहो जी कुड़ी किथे लभदी है, किथे लभदी है एहो जी ख्यालात दी कुड़ी जड़ी है. अच्छा, तो कनेड से आप पढ़ी हैं? कनेड से. और क्या सब्जेक्ट से आपके? मेरे इंग्लिश लिटरेचर. अरे वाह वाह. जी, बैचलर्स किया, उसके बाद फिर इरादा यही था कि सीएसएस करूं. और एक फ्रेंड के साथ मैं गई दुनिया न्यूज के ऑफिस, इनफैक्ट वो ऑडिशंस के लिए गई हुई थी, और मैं मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ चल पड़ी. वहां पे फिर अयूब खावर साहब से मुलाकात हुई, वासिर चौधरी से मुलाकात हुई, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग. और कोई प्लान्स नहीं थे. अच्छा, आपको पता है ये आम जिंदगी में बहुत होता है जी, कि लड़का जिस लड़की को देखने आता है ना, उसे छोड़ देता है और उसकी सहेली को पसंद कर लेता है. ये पाकिस्तान में आम रिवाज है. तो बस, और वो सहेली सारी जिंदगी कोसती रहती है. तो वो सहेली अब मेरी सहेली नहीं रहेगी. जब अब्बा को पहली दफा बताया कि ऑफर आई है और मैं जा रही हूँ. और आपके वाले सब मियांवाली में या? नहीं, they moved to Lahore because of me. क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पर ही जॉब कर रहे थे, मैंने भी यहाँ पे पढ़ा. वी आर बेसिकली फ्रॉम लाहौर. और मेरी आधी जिंदगी, मैं कहती हूँ मेरी, हाँ तकरीबन आधी जिंदगी, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल तक एजुकेशन मेरी सारी मियांवाली से है, मेरा ब्रॉटअप वहां पर है. मेरी वो कहते हैं ना जम्पल मियांवाली की है जी. तो फिर हम लोग मूव कर गए लाहौर मेरी वजह से, बिकॉज मुझे जॉब भी. कौन से खेल हैं आप? शायरों को ये भी पता होता है ना. मेरे बहुत दोस्त है जो कि न्याजी और मियांवाली. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. अब जो सरगोधा मियांवाली एक ही, बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही. वही गाने हमने भी सुन सुन के बड़े हुए हैं जो बाद में आपने सुने होंगे. जबरदस्त सराय के गाने. फेवरेट कौन से आपका? यस, मेरा तो सराय के गानों में सिंगर जी. चलिए सिंगर बता दे मुझे. देखिए सारी कमाल है, जैसे लाला का तो अपना कोई जवाब नहीं है, अल्लाह तआला होने वाला उनका कोई जवाब नहीं है. और मगर मंसूर मलंगी साहब की कपनी जगह थी, जो आवाज में दर्द है. यस, और यस, खूबसूरत आवाज. केड़ी गलती हुई है जालम, क्यों दूर डेर लाई बूहे गैर दे बसाई. तो आपने जिक्र किया इंग्लिश लिटरेचर का जी. तो अगर आपके हाफजे में हो शेक्सपियर की, कोई कीट्स की, कोई शेले की, कोई चीज तो लीजिएगा प्लीज. इस तरह के सवाल में तो बहुत अरसा हो गया, बट हाँ शेक्सपियर को पढ़ा. दो सूरतें देखिए, या आप हमें अंग्रेजी की कोई चीज सुना दीजिए या सराइकी की. कुछ सराइकी की सुना, कुछ सराइकी की सुना दो. सराइकी च कैसे सुनावा मैं तुहानू? मेरी तरफ देख के कोई दो चार भावे गाने कट दियो. इन्हें फुल लक्षण. अच्छा, सराइकी का एक बहुत मशहूर गाना है. अच्छा जी, हे तो जरा मतलब लिरिक्स तो जरा कम गौर कराए, लेकिन मैं तुहानू डेडिकेट करे नहीं. इस तो बाद ही कंट्रोवर्सी बार आवे सी. बिना न्याजी ने असद कैफी को ये गाना क्यों डेडिकेट किया? अल्लाह खैर. ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके, सारा जानू नहीं बनदा. हेलो, वाह रे वाह. मैं कह शायद तुसी कहो कि ढोला सानू प्यार दे नशे ते लाके, सारा झाड़ू नहीं फड़दा. ਹੁਣ
ਸਾਰਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜਾਨੂ ਕਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਨਦੀਮ ਕਾ, ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਨਦੀਮ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ।